गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं नरेंद्र सिंह आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा लेशन आपको बताने जा रहा हूँ। यह एक कहानी है और ये एक विदेशी कहानी और इसके लेखक हैं यूरोप आस्तौर। इस कहानी के प्रमुख पात्र है बड़ी बहन, छोटी बहन, बिना किसान, सौदागर, गोलो को सरदार और जमींदार। बड़ी बहन, इस कहानी में एक बड़ी बहन है जिसका विवाह एक संपन्न सौदागर से होता है। सौदागर बिजनेसमैन, सौदागर का अर्थ है बिजनेसमैन, व्यापारी। इस्तेमाल प्रयोग, इस्तेमाल का अर्थ है प्रयोग, मवेशी का अर्थ है जानवर, पूर्ति का अर्थ है चुस्ती। कुछ और कठिन शब्द हैं जो आप अपनी किताब से पढ़कर समझ सकते हैं, बीच बीच में कुछ और कठिन शब्द जो आएंगे हम आपको उसके अर्थ बताएंगे। तो इस कहानी में बड़ी बहन है जिसका विवाह एक संपन्न सौदागर के साथ होता है, बिजनेसमैन के साथ होता है और वह अपने घर में सुखी हैं। उसके घर में धन संपत्ति है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, उसके ससुराल में हर प्रकार का सुख है, इसलिए उसका जीवन सुखपूर्वक बीत रहा है। बड़े घर में, धनी घर में उसका विवाह होने के कारण से उसे अपने बड़प्पन पर, अपने धन पर, अपने धन संपत्ति पर गर्व है, अभिमान है। वो दूसरों को छोटा समझती है, अपने बड़प्पन में वो दूसरों को छोटा समझती है, उसको अहंकार है, धन संपत्ति का अहंकार है, समाज में संपन्न व्यक्ति, धनी व्यक्ति होने का अहंकार है। कहानी में दूसरी बहन है, छोटी बहन, जिसका विवाह एक साधारण किसान के साथ होता है, जिसके पास कोई ज़्यादा सुख सुविधाएं वगैरह नहीं होती, कोई संपत्ति नहीं होती, परंतु वो छोटी बहन अपने छोटे से और साधन परिवार में सुखी है, उसको संतोष है, उसे किसी प्रकार का अभाव नहीं खटक रहा है, जैसी परिस्थिति में है वो उसी में खुश है। इस कहानी में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हम बता रहे हैं जीवन में सबकी स्थितियां समान नहीं होती, हमारे हाथ की उंगलियां जैसे समान नहीं हैं, वैसे जीवन में परिस्थितियां सबकी समान नहीं होती। कोई धनी व्यक्ति है तो कोई मध्यम है तो कोई गरीब है, सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार भी बन जाता है। बिरले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास धन संपत्ति हो और घमंड की भावना ना हो, उस ऐसे बिरले लोग होते हैं। तो ज़्यादा पैसा आने से, जैसा धन होने से व्यक्ति के अंदर अहम की भावना, ऊंचा होने की भावना, ऊंचे पद पर होने की भावना, पावर की भावना आ जाती है और वो अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को साधारण तुच्छ समझने लगता है। हमें अपनी आर्थिक परिस्थितियाँ की तुलना किसी दूसरे की परिस्थितियों से नहीं करना चाहिए। अगर कोई सुखी है, ज़्यादा धन संपत्ति उसके पास, तो कोई बात नहीं, हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार चलना है, अपने हालात के अनुसार चलना है। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अधिक सुख सुविधाएं, धन दौलत इकट्ठा करनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
जब आवश्यकता से ज़्यादा हम पाने की कामना करते हैं तो हमारे अंदर लोभ और लालच आ जाता है। लोभ और लालच ऐसे दुर्गुण हैं जो व्यक्ति को अमानवीय बना देते हैं, मानवता से गिरा देते हैं, अनेक अपराध करने पर मजबूर कर देते हैं। लोभ और लालच में व्यक्ति अनेक प्रकार की मुसीबतों में फंस जाता है। लोभ लालच में व्यक्ति का जीवन का अंत भी हो जाता है, क्योंकि लोभ और लालच बस हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, दो धन संपत्ति और सुख सुविधाएं, सामान, सोना चांदी जो भी इकट्ठा करते हैं, वो लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रहता, हमारा साथ नहीं देता। जब जीवन के बाद मौत आएगी तो ये सारी धन संपत्ति, धन दौलत इस दुनिया में ही रह जाएगी, कोई साथ नहीं चाहेगा। तो जीवन चलाने के लिए जितना जरूरी है, समाज में चलने के लिए जितना जरूरी है, सामाजिक व्यवहार के लिए जितना जरूरी है, साधु संतों की सेवा के लिए, अपने लिए जितना जरूरी है, उतना धन के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। सुख सुविधाएं, धन संपत्ति कमाओ, लेकिन उतना ही कमाओ जितना जरूरत है। अतिकांत होता है या लालच बुरी बला है, लालच में हानि होती है, लालच में जीवन का अंत भी हो जाता है। किस प्रकार एक व्यक्ति लोभ और लालचवश अपने जीवन का अंत कर बैठता है, यही तो इस कहानी में बताया गया है। तो लालच ना करके संतोष करना, संतुष्ट होना ज्यादा श्रेष्ठ है। संतोष सबसे बड़ा धन है, इस धन के सामने सारे दूसरे धन छोटे हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। किसी कवि की ये जो पंक्तियां हैं इसमें बहुत गहरा अर्थ है। तो दीना किसान जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, लालचवश अधिक से अधिक जमीन प्राप्त करने के चक्कर में जीवन से हाथ धो बैठता है। तो जिंदगी नहीं है, जमीन आ जाती है, जमीन प्राप्त कर लेता है लेकिन जीवन समाप्त हो जाता है। उस जमीन का वो सुख नहीं ले पाता है, उस जमीन को भोग नहीं पाता है, उसका उपयोग नहीं कर पाता है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता है और उसके जीवन का अंत हो जाता है। और अंत समय उसे दफन होने के लिए, जमीन के अंदर दफन होने के लिए मात्र 2 मीटर जमीन ही की ही दरकार होती है। जब दफन होने के लिए 2 मीटर जमीन की ही दरकार है तो फिर इस संसार में आकर, इस संसार में रहते हुए हमें ज़्यादा धन दौलत और संपत्ति इकट्ठा करने का कोई अर्थ और महत्व नहीं। जीवन में हमें लालच नहीं करना चाहिए और संतोष करना चाहिए, यही इस कहानी का परिचय है, यही इस कहानी का संदेश है। तो आइए कहानी को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ, बिजनेसमैन के साथ हुआ था। छोटी बहन का विवाह एक साधारण किसान के साथ हुआ था। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर आई, दोनों आपस में बातें करने लगी। बड़ी बहन अभिमान में बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है, हम तो शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा आराम करते हैं, सैर सपाटा करते हैं, तमाशे, थिएटर, मनोरंजन सब करते हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे जीवन में हैं, हम तो बहुत सुखी हैं। छोटी बहन जो कि एक साधारण परिवार से में थी, अपनी बहन की ये बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुई
और बोली, तुम तो केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाएगा। पैसे हैं तुम्हारे पास, धन दौलत जमीन जायदाद नौकर चाकर सब है तुम्हारे पास, लेकिन जिंदगी में क्या सभी समय एक समान रहता है? नहीं, समय परिवर्तनशील है। जिसके पास आज धन है, कल वो व्यक्ति धनहीन हो जाएगा। धन तो आता और जाता है, जिस प्रकार सुख और दुख, धूप और छाया जीवन में आते और जाते हैं, वैसे भी अमीरी और गरीबी का चक्र दिन और रात के चक्र के समान चलता रहता है। ये संसार की सच्चाई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जवाब देती हूँ, बोलती छोटी बहन बड़ी बहन को, बोलती है तुम तो केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाएगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे। जी जी, हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। छोटी बहन बोली, हम साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए हमारा जीवन भी सादगी से भरा हुआ है। सादा खाते हैं, सादा पहनते हैं, सादे ढंग से रहते हैं। हमारे जीवन में किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। बड़ी बहन कोई बात खटक गई, ताना मारते हुए अपनी छोटी बहन से बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? ये जीवन अनमोल है, और इस जीवन को प्राप्त करके हर प्रकार का सुख और आनंद लेना चाहिए, लेकिन तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ? तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। ये ताना, ये जलीकटी बात सुनकर छोटी बहन को अच्छा नहीं लगा। छोटी बहन का पति दीना जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है, दोनों बहनी की बातों को छिपकर सुन रहा था। उसने मन में सोचा, बात तो सही है, बचपन से मैं इस धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ, बचपन से मैं किसानी का काम कर रहा हूँ, बचपन से ही मैं अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा हूँ, परंतु फिर भी तो मेरी परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं, मेरा समय नहीं बदल रहा है, मेरे हालात नहीं बदल रहे हैं। काश हमारे पास भी कुछ जमीन होती तो हमारा जीवन भी अच्छा होता, सुखी संपन्न होता। तभी किसी जमींदार की जमीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक भाग, एक भाग खरीद लिया। वह उस जमीन पर फसल उगाने लगा, फलों के पेड़ लगाए, फसल लगाई, बहुत फसल हुई। अपनी फसल को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके जीवन में बाहर आई खुशियां आई, उसको अच्छा लगा। लेकिन उसे इस एक बात की बहुत तकलीफ थी कि उसके पड़ोसी के जो मवेशी और जानवर थे, वे उसके खेत में घुसकर उसकी फसल को खा जाते थे, चट कर जाते थे, नष्ट कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। काफी दिनों तक दीना किसान इस बात को सहन करता रहा। पड़ोसियों के पास जाकर, उन जानवरों के मालिकों के पास जाकर, पड़ोसियों के पास जाकर उसने शिकायत की और अपने जानवरों को संभाल कर रखने के लिए रिक्वेस्ट किया, परंतु पड़ोसी बेपरवाह लापरवाह थे, इसलिए उन्होंने अपने जानवरों को नहीं संभाला। अंत में हार कर, परेशान होकर दीना किसान ने अदालत में कंप्लेन दे दिया, अर्जी दे दी।
और अदालत ने कार्रवाई की, जिससे दीना के पड़ोसियों को, किसानों को जुर्माना हो गया। अब दीना के पड़ोसी उससे जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं दिनों सतलुज नदी के पार एक नई बस्ती बसाई जा रही थी। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, वहां जाकर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन, जमीन को एकड़ के हिसाब से बेचा जाता है, 5,000 रुपया एकड़ जमीन। जैसे हम बाजार में कपड़ा अगर खरीदते हैं तो हमको मीटर के हिसाब से 100 रुपया मीटर, दूध खरीदते हैं तो 50 रुपया लीटर, आलू प्याज शक्कर खरीदते हैं तो 100 रुपया किलो। तो अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग मापदंडों से बेचने की व्यवस्था हमारे समाज में है। तो ज़मीन कैसे बेची जाती है? ज़मीन को एकड़ के हिसाब से, एकड़ उसका पैमाना है, मापदंड है, एकड़ के हिसाब से ज़मीन को बेचा जाता है। हमको ज़मीन खरीदनी है तो हम 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन खरीद लेंगे। 1 एकड़ की क्या कीमत है? 1 एकड़ की कीमत 5,000 है। 1 एकड़ की ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन की कीमत 5,000 है। इस हिसाब से ज़मीन की खरीदी और बिक्री होती है। आज भी हमारे समाज में ये प्रथा प्रचलित है। तो सतलुज नदी के पार एक बस्ती, नई बस्ती बसाई जा रही थी। वहाँ जाकर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन, कितनी एकड़? 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दी जा रही, फ्री में दी जा रही। यदि कोई आदमी वहाँ जाकर रहेगा तो वहाँ के बासिंदे, वहाँ के लोग, वहाँ की जो समाज के मुखिया हैं, वो उस व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन फ्री में देंगे। यह खबर जब दीना ने सुनी तो उसने सोचा, यहाँ पर मेरे पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, अगर मैं इस स्थान को छोड़कर सतलुज नदी के पार जाकर रहने लगूं और वहाँ ज़मीन ले लूं तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेशी किसान से उस ज़मीन के बारे में पता लगाया और उसे पता चला कि सतलुज नदी के पार जो ज़मीन है, जहाँ नई बस्ती बसाई जा रही है, वो ज़मीन खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी है, उपजाऊ है। अब दीना के मन में मन अब दीना ने मन ही मन उस स्थान में जाकर, सतलुज नदी के पार जहाँ नई बस्ती बस रही थी, वहाँ जाकर रहने का फैसला कर लिया। वह अपने परिवार को लेकर आखिर उसने ये स्थान छोड़ दिया और वह अपने परिवार को साथ लेकर सतलुज नदी के पार चला गया। वहाँ गांव की जो पंचायत थी, वहाँ जाकर वो शामिल हो गया और उसे नियमानुसार उस बस्ती में आकर बस जाने के एवज में 20 एकड़ ज़मीन दे दी गई, जो उसके लिए और उसके परिवार के लिए पर्याप्त थी। दीना पहले से अधिक खुश था, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया था। अब वो 20 एकड़ ज़मीन का मालिक बन गया था, किसान था, ज़मीन का महत्व जानता था। ज़मीन में मेहनत करके, परिश्रम करके वो अच्छी फसल पैदा करके अपने जीवन में खुशियां ला सकता है, ऐसा उसको भरोसा था, विश्वास था। व्यक्ति को अपने परिश्रम पर विश्वास होना चाहिए। परिश्रम से ही हम दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परिश्रम से ही हम हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। अब यहां उसके पास घर था, मेहनत करके उसने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया था।
उसके हालात सुधर गए थे, अब उसके पास ज़मीन थी, खेती के लिए ज़मीन थी, घर था, बहुत सारे जानवर थे और उन जानवरों को चराने के लिए खुले मैदान भी थे। तो खेती से संबंधित सारी चीज़ें उसके पास थीं और वो उस पर मेहनत कर रहा था और अपने जीवन को खुशहाल बना रहा था। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहाँ आया, उस बस्ती में एक और सौदागर आया, अपने घोड़ों के चारे पानी के लिए वह थोड़ी देर के लिए वहाँ रुका। दीना से मुलाकात हुई, बातों ही बातों में उस सौदागर ने दीना को बताया कि वो नदी के पास से आ रहा है, नदी के पास एक बस्ती है, वहाँ से आ रहा है। उस बस्ती में इतनी अधिक जमीन है कि महीनों चलते रहो और नाप लो, महीनों चलते रहो और नाप लो, ले लो। यह सुनकर दीना के मन ही मन में निश्चय किया कि मुझे वहां जाकर जरूर देखना चाहिए। जमीन के प्रति 20 एकड़ जमीन में उसको संतोष नहीं हुआ, वहां पैदल चलकर जितनी जमीन चाहो तुम फ्री में ले सकते हो या कीमत में ले सकते हो, एक निर्धारित जो कीमत होगी वो उस हिसाब से ले सकते हो पैदल चलकर, कुछ शर्त होगी, कुछ नियम होगा। तो वो 20 एकड़ जमीन से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो मन ही मन नदी के पास उस स्थान में जाने का और उस जमीन को देखने का निश्चय किया। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए हुए स्थान के उचल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान लिया, उपहार लिया, मिठाई खरीदी। 7 दिन का सफ़र तय करने के बाद वे दोनों उस स्थान पर पहुँचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था, वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। जिस स्थान पर वो पहुँचा वो कोल जाति थी, कोलों का सरदार कोल बस्ती, वो कोल बस्ती में पहुँचा। कोल एक प्रकार की जाति के लोग हैं, ये कोलों की बस्ती थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, बहुत बड़ा दरिया था, नाला था, केनाल थी, बहुत बड़ा, बहुत जमीन ही जमीन थी, सारी जमीन खाली पड़ी हुई थी और सारी जमीन खेती किसानी के लिए बहुत अच्छी थी। वो लोग इस जमीन का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग खेती बाड़ी करके वाला काम नहीं करते थे, केवल वे लोग जानवर पालते थे और जानवरों को पाल कर उनको बेच कर अपना गुजारा करते थे और जानवरों को शिकार करते, ये उनका बिजनेस था। वो लोग किसानी का काम नहीं करते थे, वो लोग क्या काम करते थे, जानवरों को पालते थे, उनको बेचते थे, उनका शिकार करते थे। तो वो लोग उस जमीन का प्रयोग नहीं करते थे। एक दुभाषीय की सहायता से, दुभाषीय मतलब जो दो भाषाएं अच्छी तरह से जानता है, तो एक दुभाषियों की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वो जमीन के लिए आया, वो अपने आने का कारण बताता है कोल के लोगों को कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एक दुभाषीय के माध्यम से वो अपने आने का प्रयोजन बताता है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। कोल जाति के लोग, कोल बस्ती के लोग जब दीना के आने का उद्देश्य जानते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। वे दीना को अपने डेरे में ले जाते हैं और उसका खूब स्वागत सत्कार करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। कुछ देर के बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आता है। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत में खड़े हो जाते हैं। दीना समझ जाता है कि ये व्यक्ति जो अभी अभी आया है वो कोलों का सरदार है। उसने दुभाषियों की ओर देखा, दुभाषी ने बताया यह कोल लोगों का सरदार है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार, कोलों के सरदार को उपहार के रूप में, भेंट के रूप में दी। क्या क्या दिया,
दीना कुलों के सरदार को क्या क्या चीज उपहार में दिया? एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ कुलों के सरदार को भेंट दी। भेंट पाकर कुलों का सरदार मन ही मन मुस्कराया और वहाँ बैठ गया। रात का समय आया, दीना के स्वागत में भोज हुआ, दावतें हुई। बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने का कारण बताया। उसने सरदार से कहा, मैं चाहता हूँ कि जमीन के कागज भी पक्के बन जाए। भाई, जमीन खरीदने में आया, जो आपकी कीमत होगी मैं दूंगा, लेकिन जमीन का जो पट्टा है, जमीन के जो कागजात हैं, वो भी साथों साथ हाथों हाथ बन जाने चाहिए, मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। सरदार ने कहा, ज़मीन अगर तुम खरीद लोगे तो पट्टा बनाने में देरी नहीं होगी, ज़मीन के कागजात तैयार करने में देरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे कस्बे में एक मुंशी हैं जो पढ़ा लिखा कर पढ़ाई ज़मीन से संबंधित कागज पत्र बहुत जल्दी बना देता है, पट्टा जल्दी बना देता है। तो अब सारी तरफ से निश्चिंत होने के बाद दीना ने कोलों के सरदार से ज़मीन का दाम पूछा कि ये ज़मीन कितनी कीमत पर आप हमको दोगे, क्या कीमत है आपकी ज़मीन की? सरदार ने बताया, हमारी ज़मीन की एक ही कीमत है, हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1,000 रुपया, एक दिन का 1,000 रुपया, एक दिन का 1,000 रुपया। यह हिसाब मेरी समझ में नहीं आया, ये बताएं कि कितने रुपए में कितने एकड़ जमीन मिलेगी? दीना ने पूछा, कोलू के सरदार से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि कितने रुपए में कितनी एकड़ जमीन आप मुझे देंगे? सरदार मुस्कुराकर बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है, दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी जमीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी, कीमत केवल 1,000। तुमको एक स्थान में खड़ा होकर उस स्थान से चलना है और चलकर दिन भर तुम जितना रास्ता तय करोगे, जितनी जमीन को नापते हुए आगे बढ़ोगे, शाम तक सूर्य अस्त होने से पहले तुमको उसी स्थान में वापस आना है जिस स्थान से तुम चले थे, उस निश्चित स्थान में से तुम्हें वापस आना है। दिन भर में जितनी जमीन तुम नाप लोगे वो तुम्हारी, कीमत केवल 1,000। यह सुनकर दीना बहुत खुश हुआ, इतनी सस्ती जमीन, दिन भर में चलना है, शर्त भी कोई बड़ी नहीं है। दीना ने हैरानी से पूछा, जिस जगह से तुम चलोगे सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी स्थान में वापस लौटना होगा। शर्त, कोलू के सरदार ने कहा, एक शर्त है। दीना बोला, क्या शर्त? तब वो बताया कि जिस स्थान से तुम चलोगे सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी स्थान पर वापस लौटना होगा, यदि तुम सूरज ढलने से पहले वापस नहीं आए तो तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, डूब जाएंगे। दीना ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी, वह अगले दिन की कल्पनाओं में खो गया। वह सोचने लगा, दिन भर मैं चलूँगा एक स्थान से, दिन भर चलूँगा तो 60 किलोमीटर जमीन तो मैं आसानी से नाप लूँगा, क्योंकि आजकल तो दिन बहुत लंबे हैं, गर्मी का मौसम है, दिन बहुत लंबे हैं, तो मैं एक दिन में 60 किलोमीटर चलकर जमीन हासिल कर लूँगा, ज़्यादा ज़मीन मुझे मिल जाएगी, ज़मीन अच्छी किस्म की है, ज़मीन पर खेती भी अच्छी हो जाएगी,
और घटिया ज़मीन मैं बेच दूंगा, कुछ ज़मीन बटाई पे दे दूंगा, कुछ बैल खरीद लूंगा, दो चार नौकर चाकर भी रखने पड़ेंगे तो रख लूंगा, फिर क्या। देखते ही देखते मैं ज़मींदार बन जाऊंगा, मेरे दिन बदल जाएंगे। सुबह होते ही दीना अपने साथी को लेकर कोलों के सरदार के पास पहुँचा। नियमानुसार सुबह होने पर वह अपने साथी को लेकर कोलू के सरदार के पास एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा। सब एक स्थान पर पहुंचे, सरदार ने दूर दूर फैली जमीन की ओर इशारा करके कहा, जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंच रही है वो सब हमारी जमीन है, इसमें से जितना चाहो ले लो। ये देखो ये सारी जमीन जहां तक तुम्हारी नज़र जा रही है सारी जमीन हमारी है, तुम चाहो जितना चाहो ले लो। जमीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगे। सरदार ने सिर की टोपी उतार कर जमीन पर रख दी। कोलू के सरदार ने अपने सिर पर रखी टोपी उठाई निकाली और उसे एक स्थान पर रख दिया, जमीन पर रख दिया और बोला, ये निशान है, यहाँ से चलोगे, इस टोपी के स्थान से तुम चलोगे और सूर्य डूबने से पहले इसी स्थान पर वापस आओगे, और अभी तुमको पैसे भी इस टोपी के अंदर रखने होंगे। सॉरी, दीना ने सिर हिलाया। सरदार रुपए सरदार की टोपी में रख दिए। नियमानुसार दीना ने 1000 सरदार की टोपी में रख दिए और सम रोटी पानी और फावड़ा, फावड़ा यानी रौपा लेकर चलने को तैयार हो गया। क्या क्या साथ में लिया है? रोटी पानी और फावड़ा रौपा साथ में लिया और चलने को तैयार हो गया। उसने एक नज़र चारों तरफ लगाई, कौन सी दिशा में जाना है, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, किस दिशा की जमीन सबसे अच्छी है किसानी काम के लिए। देखने के बाद उसने पूर्व दिशा की ओर चलने का फैसला किया, क्योंकि पूरब की तरफ उसको ज्यादा अच्छी जमीन नजर आई। दीना लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। 1000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया, निशान बनाया और ऊंची घास चुन दी तथा उसके बदन में फुर्ती आ गई। तेज चाल चलते चलते वो दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, उसे भूख लगने लगी। जब हम ज़्यादा परेशान करते हैं तो हमें भूख सताती है और फिर हम भूख मिटाना चाहते हैं। उसने सोचा, एक पहर बीत गया, कुछ खाना पीना खा लेना चाहिए। लेकिन तभी मन ही मन ख्याल आया, अभी तो 3 पहर बाकी हैं, बहुत समय बाकी है, इतनी अच्छी जमीन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। अब उसने जूते भी उतार दिए, तेज चलने के लिए अपने पाँव के जूते को उसने उतार दिए और अब वो दम लगाकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसका शरीर पसीना 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 हो गया, प्यास के मारे बुरा हाल था। थोड़ा टहर कर उसने पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए, बहुत थक गया था। थकान ज़्यादा होने से उसके पांव अब कांप रहे थे, उसके कदम अब आगे बढ़ने में असमर्थ थे, वह बैठ गया। मन हो रहा था थोड़ा आराम कर लें, लेकिन कहीं नींद ना आ जाए, कहीं थकान के कारण मुझे नींद ना आ जाए, इस वजह से वो नहीं लेटा। उसने बैठ कर खाना खाया, पानी पिया, थोड़ी राहत महसूस की और फिर उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। आराम नहीं किया, 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ा कि सूरज नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अब शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी। दीना ने अब सूरज की स्थिति को देखकर वापस लौटने का निश्चय किया, क्योंकि उसको नियमानुसार उसी टोपी वाले स्थान पर वापस भी पहुंचना है सूरज ढलने से पहले। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। सूरज ढल रहा था, सूरज अपनी रफ्तार में चल रहा था
और इसे डर था, भय था कि सूरज ढलने से ढल ना जाए, सूरज ढलने से पहले उसे वहाँ पहुँचना है, इसलिए वो लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा था। उसे एक एक कदम भारी लग रहे परंतु शरीर साथ नहीं दे रहा था, थकान के कारण से उसका शरीर साथ नहीं, पांव साथ नहीं दे रहे थे। उसके पांव ने जवाब दे दिया, टांगे जवाब दे रही थी, उसके पैर जगह जगह छिल गए, बुरा हाल हो गया पैरों का, मन आराम करने को हो रहा था लेकिन ये संभव नहीं था। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले निशान वाले स्थान पर पहुंचना है। अब पूरे दम से जी जान से आगे बढ़ रहा था। अब उसने अपनी कमीज भी उतार दी, शरीर पसीना पसीना हो गया था, इसलिए आराम पाने के उद्देश्य से उसने अपनी कमीज भी उतार दी। अगर सूरज ढलने से पहले वो नहीं पहुंचा था उसकी सारी मेहनत और सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सारी रकम जब्त हो जाएगी। यह विचार उसके मन में आ रहा था, वो कांप रहा था, उसके टांगे कांप रही थी, छाती धड़क रही थी, दिल धड़क रहा था, आंखों के अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो दौड़ रहा था। सूरज प्रतिक्षण ढलता जा रहा था, वो बार बार सूरज की तरफ देख रहा था और सूरज ढलता जा रहा था। वह हिम्मत जुटाया, भागने लगा। उसे कोलों के सरदार, कोलों की बस्ती के लोग दूर से देखे और जोर जोर से आवाज लगाकर पुकारने लगे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि सूरज ढल रहा था। कहीं सूरज ढल गया और तुम नहीं पहुंच पाए अपनी मंजिल पर, अपने निशान पर, तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सारे रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे। दीना सोच रहा था, अगर समय पर ना पहुंचा तो लोग मेरे पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। अब डूबा तब डूबा सूरज, अब डूबा तब डूबा, ऐसा लग रहा था। उसे जमीन पर, दीना को जमीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी। अब वो नज़दीक पहुंच चुका था, टोपी के नज़दीक पहुंच चुका था। कोल और सरदार सभी उसे बुला रहे थे, कोल जाति के लोग और कोल जाति का सरदार उसे जोर जोर से आवाज़ लगा कर बुला रहे थे। तभी सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, दीना के मुँह से चीख निकल गई। कोल अब भी उसे बुला रहे थे। दीना ने सोचा, कोल ऊंचाई पर खड़े हैं, उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा, बस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसने पूरी ताकत लगाई, लंबा कदम बढ़ाया और लंबा कदम बढ़ाकर टोपी को छू लिया और मुंह के बल जा गिरा। वाह खूब रही, कोलू का सरदार जोर से चिल्लाया, वाह तुमने बहुत सारी जमीन जीत ली। दीना का साथी दौड़कर आया, उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन दीना तो मर चुका था। तेज रफ्तार में चलने के कारण, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने के कारण, मेहनत करने के कारण उसका दम निकल गया। अधिक जमीन पाने के चक्कर में वो ज़्यादा दूर तक निकल गया, लोभ में, ज़्यादा जमीन पाने के लोभ में, लालच में वो ज़्यादा दूर तक निकल गया और वापस बहुत मेहनत कर वापस भी पहुंचा, लेकिन क्षमता से ज़्यादा शरीर में काम होने का के कारण, मेहनत होने के कारण दम निकल गया। जमीन तो मिल गई परंतु जान चली गई। जान है तो जहान है, मोदी जी ने ये बात कही, इसका अर्थ बहुत गहरा है। जीवन पहले बचाना है, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा। आज हम कोरोना के कारण से बहुत सारे तकलीफ से भरा जीवन जी रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने हमको जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे बंधन दिए हैं, बंधन में रहने का मैसेज दिया है, नियमों का पालन करने का मैसेज दिया है। जीवन को बचाना है,
इसलिए जीवन पहले है। जीवन रहेगा तो दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। अधिक जमीन पाने के लालच में जीवन से हाथ धो बैठा दीना किसान, अधिक लोभ में, लालच में, अधिक जमीन पाने के चक्कर में अपने जीवन से हाथ धो बैठा। जीवन उसका समाप्त हो गया, जमीन तो मिली, लेकिन जमीन, उस जमीन का क्या महत्व जिसको पाने में जान निकल गई, प्राण निकल गए, जीवन समाप्त हो गया, तो अब उस जमीन को लेकर क्या करेगा वो? लालच, लोभ और लालच में पड़कर व्यक्ति कभी कभी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारकर अपने जीवन का अंत भी कर देता है। तो लालच बुरी बला है, ये जो बात विद्वानों ने, ज्ञानियों ने कही है, ये बहुत बड़ा संदेश हमको देती है। तो इस प्रकार जान है तो जहान है, जान हमारे लिए पहले है, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। जान और जीवन को पहले बचाना चाहिए, बाकी सब वस्तुएं आवश्यकता के अनुसार सीमित अगर हम करें, अपनी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को और आवश्यकताओं को हम सीमित करें, लोभ लालच में ना पड़े, अधिकता के चक्कर में ना जाएं, अतिकांत होता है तो ज़्यादा बेहतर हो। संतोष का जीवन हम जिए, जीवन में संतोष का बड़ा महत्व है, जो मिला वो प्राप्त है, ईश्वर का धन्यवाद करो। हाँ, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें उतनी ही वस्तु चाहिए, उतनी धन दौलत चाहिए जिसमें आराम से जिंदगी चल सके। तो जीवन में संतोष का बड़ा महत्व है, महत्वपूर्ण स्थान है, हमें संतोषी बनना चाहिए। संतोषी व्यक्ति सुखी होता है। तो इस पाठ से हमें संतोष का जीवन जीने का संदेश मिलता है। जीवन का अर्थ और महत्व समझना चाहिए, ये जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा करनी है। दीना यही बात तो भूल गया, अपने जीवन से बड़ा वो जमीन को सोचा, अपने जीवन की परवाह नहीं की उसने, जीवन की परवाह नहीं की, जमीन की ज्यादा प्रवाह की। जमीन तो मिली परंतु जीवन समाप्त हो गया, जमीन को लेने का अवसर ही नहीं मिला उसको। जमीन प्राप्त हुई लेकिन जीवन को, जमीन को प्राप्त करने के लिए आदमी जिंदा नहीं रहा, आदमी का अंत हो गया। तो जीवन में हमें लोभ और लालच में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, संतोष से जीवन सुख शांति पूर्वक होता है। संतोष रूपी गुण सब में होने चाहिए और संतोष में परम सुख है। हमें इन गुणों को अपनाकर जीवन को सुखी और संपन्न बनाना चाहिए। प्रश्न उत्तर, तुम्हारी बुक में बहुत सारे प्रश्न उत्तर दिए हैं, जो आप बना सकते हैं रब कापी में बनाइए, और जो नहीं बना पाएंगे उसको हम बताएंगे। इस पाठ को आप पढ़िए, इस पाठ को आप पढ़िए, जैसा हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़कर आपको एक नमूना बता रहे हैं, एक पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, आपको नमूना बता रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। प्राचीन काल की बात है, दो बहनें थीं, बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ हुआ तथा छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर आई, दोनों आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है, हम तो शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में अपना समय बीतता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम तो केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाएगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे। जी जी, हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। तो ऐसा, जैसे हमने एक नमूना आपको दिखाया पढ़ने का, ऐसा ही किताब से आपको पूरा लेसन पढ़ना है। पढ़िए, पढ़ेंगे तब आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया,
तीनों भाषा को हमको किताब से पढ़ना है, रीडिंग फर्स्ट, और उसके बाद जो कुछ किताब में लिखा है उसका एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ प्रतिदिन लिखना है, देख देख के लिखिए, और जब आप लिखते हैं तो शुद्ध लिखिए, किताब से देख कर लिखना है, शुद्ध लिखो, पढ़ने का और लिखने का अभ्यास कीजिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद, खुश रहें, सुरक्षित रहें, और बाय।